ना जाऊंगा कि ये देखो नितिन भैया चल रहे हैं आगे भीड़ में सबसे अलग। तो राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना भाई नितिन चंदीला एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पे नितिन चंदीला। तो भाई आज अपना दूसरा दिन ऋषिकेश में, जो कि मैंने अपनी लास्ट में बोला था जो आज की वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस पर जाके कहीं स्पेशली जाऊँ, कनॉट प्लेस वगैरह जाऊँ या किसी मॉल में जाऊँ, वहाँ टी शर्ट निकालूँ तो वो मेरे से हो भी नहीं पाएगा। एक्चुअली मेरी फील्ड के लिए वो ठीक भी नहीं है, तो अपना वो वाला प्रोफेशन भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा सोचा इस बारे में, विचार किया, बट जो आज की वीडियो है वो अपने आप ही पब्लिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह, एक थोड़ा सा मतलब रात को गंगा जी में नहाए थे, अब दोबारा जा रहे हैं, थोड़ा सा शूट वगैरह करेंगे, उसके बाद जाऊँगा मैं हरिद्वार, हर की पौड़ी, और आज है संडे तो वहाँ पर जब घूमेंगे इनके साथ तो ऑब्वियसली बात है अपने आप पब्लिक रिएक्शन आएगा ही आएगा। जो भी वहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके, क्योंकि आप लोगों के बहुत से मैसेज आते हैं कि भाई एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो लाओ, तो आज की वीडियो वही होने वाली है। नो वर्कआउट, नो कुछ, नो ज़्यादा बातचीत, बस खाली पब्लिक रिएक्शन करेंगे और चलो। तो भाई निकल चुके हैं हम सारे पहले अपने जाने काम पे, तो देखो नहा धो के सारे बाबू जी बने बैठे हैं, फाइनली रिवील कर दो। अभी हम जा रहे हैं पहले अपना एक शूट करेंगे यहाँ पे गोवा बीच पे, तो वो करेंगे मैं हूँ और शिवम वो करेगा, उसने टाइम निकाला और हमने भी अपना टाइम निकाला, क्योंकि अभी तक कुछ खाया नहीं है सुबह से, बस ये प्रोटीन रखा है क्योंकि यार बहुत बड़ी बात है आप प्रेप पे अपने कंपटीशन किया ना, अभी मैंने वरना बंदे तो कोई अभी तक ना अंडा खा सकता हूँ आज ना चिकन खाऊंगा, जब तक तब तक नहीं खाऊंगा जब तक हम गंगा जी में नहीं नहा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ेगी हमें भी। तो ठीक है जल्दी जल्दी फ्री होंगे, उसके बाद अपनी डाइट ढूंढेंगे कहीं कुछ खाएंगे और चलो फिर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सारा रिएक्शन क्या होता है। बाकी भाई के चश्मे उतर चुके हैं, नाखून खा रहे हैं। चलो, और ये पता नहीं इतने सारे लोग ये आए कहाँ से हैं, देखना मतलब टोटली सारा अपना दिल्ली NCR यहीं घूम रहा है, देख लो सारी गाड़ी दिल्ली, ऑलमोस्ट सारे दिल्ली NCR यहाँ पे गाड़ी, और पूरा जाम लगा पड़ा है अभी। देखिए तो टैक्सी ले आए हो अंशुल, तेल लगावा अंशुल, इसके बाद में मेरे भी तेल लगा दियो। ये भैया शूटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। शूटिंग चल रही है भाई जबरदस्त वाली, हमारे पास नितिन चंदीला है और एक हमारे पास ये है छज्जू महाराज। सुनो अम्मा का नहीं है 100% अम्मा के लिए पुलिस वाले कहते हैं अम्मा बाहर निकल जाओ नहीं बह जाओगे। तो भाई हालत देख लो आप, एक शूट खत्म हुआ, 10 कितनी फोटो निकलेगी शिवम भाई, निकल लेगी 10-12 हालत दिखावत थी 10-12 फोटोज निकल जाएंगे। मेरी हालत नहीं है, मैं जा रहा हूँ दोबारा अपने, अब जाएंगे गंगा जी में जाके नहाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया, हालत आप मेरी देख सकते हो, आँख बिल्कुल चढ़ी पड़ी है। और अभी मैं इन भाइयों से कह रहा था कि काश कुछ भाइयों की बातें सच हो जाती कि इंजेक्शन से बॉडी बन जाती, खाना पीना तो कुछ भी खा लेते फिर। तो मैं बता दूँ भाई खाली वो हमारी हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुबह से बताओ भाई क्या खाया शिवा, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं खाया, पानी नहीं खाया, चारों ने पानी पिया बस। एक बच्चू का हालत आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है अभी, बस जल्दी से गंगा जी में नहा के मैं तो कहीं अपने लिए खाना ढूंढता हूँ, थोड़ा बहुत या तो सब्वे से थोड़ा चिकन लूंगा। हो तो चलो पहले दिखाते हैं आपको गंगा जी में और वहाँ पे देखेंगे अब अपने भाई लोगों का रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो गई थी अभी जब हम शूट कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि फोन मेरा ऊपर गाड़ी में रह गया था। तो गंगा जी का देखेंगे क्योंकि दिखाएंगे अभी आप लोगों को। तो बढ़िया है, चलो जाम लग रहा है, चलेगा
अब भी जॉब लग रहा भाई। तो भाई ढाई बज चुके हैं, 12 से 2:15 हो गए भी जाम में खड़े खड़े। 2 बजे हम हरिद्वार पहुंचे थे, बट मुझे लगा 4:30 पहुंचेंगे। खाए कुछ नहीं है, भूख के मारे नींद आ रही है, ये खाली पेट की डकार है। देखिए एक बार जाम कितना लग रहा बहुत है यार, बहुत ज्यादा स्टक बिल्कुल एक जगह खड़े हुए। तो ये जाम देख लो आप अपनी हिट और टाइम। हो तो बहुत भयंकर जाम लगा पड़ा, और 3 बजे हमने किसी ने भी कुछ नहीं खाया, बल्कि मैंने तो बस खाली प्रोटीन भी पी लिया था। देखो टेढ़े पड़े हैं सारे, ना कुछ खाने का ना पीने का दे। और एक से एक मूर्ख पब्लिक मिल रही है यहाँ पे। अभी व्लॉग में थोड़ी बहुत लड़ाई भी हम आपको दिखा देते, पर ठीक है कोई नहीं। वो तो लड़ाई मैं थोड़ा सा भी डाउन में मारता हूं सारा। लड़ाई वड़ाई ठीक नहीं है, उसमें एक पीछे लेडीज थी, मतलब फोन थी उनकी पता नहीं, तो हमने उसे कुछ कहा नहीं बेचारे को। नहीं कोई अंशुल जैसा मूर्ख आदमी था, कह रहा मैं नहीं हटा रहा गाड़ी। क्या कह रहा हूँ अंशुल, क्या कह रहा हूँ अंशुल, क्या कह रहा भाई उसने बीच में लगा कि तुम जैसे मूर्ख आते हो ना, मैं नहीं हटाऊंगा गाड़ी, जो करना है कर लो। उसमें अगर पीछे लड़की नहीं होती, मतलब कोई लेडीज नहीं होती, तो हम उसे गाड़ी में से बाहर खींच लेते इतनी देर में। तो फिर हमने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं। तो देखते हैं अभी कब तक ये जाम खुलेगा, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अंशुल तुमने भगा दियो, चल चले थे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम हर की पौड़ी। 5 बज रहे हैं, मौसम देख के पता ही लगा लो ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँचने में। और आज के बाद एक चीज़ सोच ली, फ्राइडे सैटरडे कभी नहीं आना। तो ये भीड़ देख लो पूरे में। तो भाई भीड़ बहुत भयंकर है, हम तो सोचे थे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो स्टार्टिंग से ही अपना शर्टलेस चलेंगे, बट प्लान थोड़ा चेंज है। तो भी यहाँ पे पहले नहाएंगे और उसके बाद थोड़ा तब नॉर्मल थोड़ा वॉक करेंगे। फिर आपको मैं जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में रिएक्शन दिखाऊंगा कि भाई क्या लोग देखते हैं और कैसे देखते हैं। तो चलो करते हैं चेंज अपना। अब ये रहे नितिन भैया, देखो गाइस पब्लिक रिएक्शन, यहाँ पे भीड़ लग गई है, वहाँ से लोग देख रहे हैं इन्हें, साइड में से देख रहे हैं। ठीक है धीरे धीरे, ये रहे नितिन भैया, ये देखो पीछे से लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं, सब लेफ्ट राइट है, सामने से लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग आए जा रहे हैं। देखो ये पीछे खड़े हुए सब नितिन भैया को देख रहे हैं। देखो कैसी लगी भाई की बॉडी, एक नंबर, बिगेस्ट फैन ऑफ नितिन चंडीला, दैट्स ग्रेट। पब्लिक रिएक्शन वीडियो देखो, नितिन भैया के फैंस आ चुके हैं, आसपास से सभी ने देख रहे हैं। देखो इन लोग पूरे Thank you.
हम फोटो शूट आए थे हर की बॉडी कर रहे हैं नितिन भैया के फैंस आ गए देखो इन्हें छोड़ ही नहीं रहे हमें शूट ही नहीं करने दे रहे पब्लिक रिएक्शन वीडियो ये देखो नितिन भैया चल रहे हैं आगे भीड़ में सबसे अलग भाई सबसे अलग है स्टेज में तभी तो इनके इतना नाम है। तो भाई वो फाइनली आ चुके हैं गाड़ी में दोबारा तो ज्यादा वहाँ पे हम घूमे फिरे नहीं क्यों शिवम भाई बिल्कुल भाई बस जल्दी जल्दी शूट करा हमने बस पांच सात फोन मतलब दो चार फोटोज ही लिए अच्छे अच्छे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और थोड़ी शर्म से आ रही थी बस जहाँ पे हम गए वहाँ पे जाके खड़े हुए अपना नहाए धोए वापस आ गए तो शर्ट लेस वाला काम हमसे नहीं होगा ये हम छोड़ देते हैं। बाकी सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया 5:30 का टाइम हो चुका है अब जा रहे हैं घर रस्ते में सब कुछ खाने के लिए देखेंगे अपने लिए सब बहुत ज्यादा थके हुए हैं और ये वाली वीडियो भी यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपको कैसी लगी कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो आप लोग बताएं आपके बोलने पे थोड़ा बहुत ट्राई किया तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय लव यू आप सभी को खाओ पियो मौज में रहो।